जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ नई भर्तियों के बारे में जो आर्मी में आपको देखने को मिलेंगी, रैली के बारे में, एग्जाम के बारे में, और चल रहा है नवंबर, ठीक है। और आज की अपडेट सभी लोगों के लिए खास है जो आगामी भर्तियों का वेट कर रहे हैं और जो पेंडिंग भर्तियों का वेट कर रहे हैं और जिनका एडमिट कार्ड आ गया है, जिनका एग्जाम डेट आ गया है, ठीक है। और साथ ही में कुछ अपकमिंग वैकेंसियाँ जो TA में है उसके बारे में भी बताएंगे और BSc नर्सिंग के भी बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और रेगुलर आर्मी के अपडेट के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें ताकि डिफेंस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फिलहाल मैं अभी ताजी अपडेट में आपको आज की बता देता हूँ, जो हाल ही में 2-3 नई अपडेट आई हैं। देखो, आज है 11 नवंबर, ठीक है। तो 11 नवंबर की ये अपडेट है और ये 10 नवंबर की अपडेट है। ये अभी अपडेट हुआ है, ये कल का अपडेट हुआ था रात में। और अक्सर जब भी नोटिफिकेशन लगती है आर्मी की, रैली की, या एग्ज़ाम की, या एडमिट कार्ड की, तो वो रात में ही लगती है, ठीक है, 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, ठीक है। तो अभी ये जो लगी है 2 अपडेट, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 10 नवंबर को जो अपडेट लगी थी ARO कटिहार रैली का जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है, जो 18 नवंबर से लेके 1 दिसंबर के बीच में रैली कराई जाएगी। कैंडिडेट को सूचना दिया जा रहा है कि अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें प्रॉपर जो नोटिफिकेशन लिखा है अपने डॉक्यूमेंट, फोटो सिग्नेचर वगैरह सब कलेक्ट करके डॉक्यूमेंट के साथ प्रॉपर जाएं, ठीक है, ये उसके लिए है। और आज की जो नोटिफिकेशन है 11 नवंबर 2022 की, तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE फॉर आर्मी रिक्वायरमेंट रैली अग्निवीर कंडक्ट बाय ARO झुंझुनू विल बी हेल्ड ऑन 13 नवंबर, ठीक है, 13 नवंबर को होने वाली है, ये इसी महीने में, ठीक है। आज आपका 11 नवंबर है, एट केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 NH 11, ठीक है, बीकानेर कैंट राजस्थान, ठीक है, प्लेस टू रिपोर्ट, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 NH 11 बीकानेर कैंट राजस्थान, पिन 33401, टाइम टू रिपोर्टिंग यहाँ पे आपको दिया है 13 नवंबर को 3 से, और यहाँ पे क्लोजिंग है 8, इसके अंतर्गत आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये आज की 2 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो सभी लड़कों के लिए महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा अगर आपके फ्रेंड का एडमिट कार्ड आया होगा या एग्जाम की डेट आई होगी तो, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं न्यू अपकमिंग वैकेंसी के बारे में जो अगले महीने के बाद स्टार्ट होगी, जनवरी फरवरी के बाद आपको देखने को मिलेगी गोवा की, ठीक है। एक मिनट, ये पेज कभी कभी रिफ्रेश होता है तो मैं इसे खोल देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि पेज कैप्चर कोड मांगता रहता है, ठीक है, तो उस कैप्चर कोड को डाल देते हैं, ठीक। चलिए फटाक से आ जाते हैं, अपने कंटिन्यू करते हैं वेबसाइट पे, एक सेकंड, आ जाते हैं वेबसाइट पे। ये तो JCO एंट्री की अपडेट थी। फिलहाल में आपको पता है कि 2 वैकेंसियाँ आई थी, धार्मिक गुरु और नर्सिंग असिस्टेंट के, ठीक है। तो इनके लड़कों ने फॉर्म डाल दिए थे और इसकी डेट भी जा चुकी है, क्या इसकी डेट भी जा चुकी है और फॉर्म भी डाला जा चुका है। हाँ, लड़कियों का भी एडमिट कार्ड आ रहा है जोन वाइज, ठीक है, लखनऊ का आ चुका है, वुमन मिलिट्री पुलिस का, और कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसकी सबसे पहले हम अपडेट दे देते हैं। लड़कियों के लिए गुड न्यूज़ है, उनका BSc नर्सिंग का फॉर्म का नया डेट आने वाला है जो अगले साल से आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिलेगा, या उसका जो रूटीन होता है हर 6 महीने पे होता है, ठीक है, तो अक्सर जून जुलाई के आसपास ही जाता है, मई के आसपास। तो अभी जो आज की अपडेट है 11 नवंबर को, तो ये मैं आपको बता देता हूँ ऑफिसर एंट्री पे, ठीक है। तो ये 11 नवंबर आज की अपडेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर TGC 137 जुलाई 2023, कोर्स विल बी ओपन, ठीक है, विल 16 नवंबर से, ठीक है, यहाँ पे 2022 एट इतने टाइम से इतने टाइम तक क्लोज होगा, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आर्मी के ऑफिसर एंट्री पे ये वैकेंसी आ जाइए, ठीक है, TGC 137 कोर्स करके, ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए। तो ये लड़के क्या करेंगे, फॉर्म जाके अप्लाई करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा वैकेंसी का, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। TGC का नोटिफिकेशन यहाँ पे लगेगा और आप लोग को डेट इसका जो 2-3 दिन के अंदर चालू होने में यहीं पे लगेगा, यहाँ से आपको अप्लाई करना है TGC का, ठीक है, 137 का। अब बात कर लेते हैं जो TA की आने वाली है, तो ग्रेजुएशन पास TA को आपको मार्च में देखने को मिलने वाली है, ठीक है, और 10th+12th+ TA की अभी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। MNS की जो एंट्री है लड़कियों की, वो भी आपको 2 महीने बाद ही नोटिफिकेशन आएगी और 4th या 5वें महीने में उसका फॉर्म भरा जाएगा। ये थी JCO रैंक की महत्वपूर्ण सूचनाएं एग्जाम को लेकर,
रैली को लेके और अपडेट को लेके। और साउथ में जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं वो आपको देखने को मिलेगा 2-3 महीने के बाद। तो साउथ का कैलेंडर आएगा तो सबसे पहले हम आपको अपडेट दे देंगे। उससे पहले बता देंगे आप लोग, यहाँ तक तो आप समझ गए, ये थी आज की अपडेट, ठीक है, आर्मी से रिलेटेड। और मैं बता दूं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आई होप कि आप लोग SSC JD की वैकेंसी आई थी उसका आप लोगों ने फॉर्म जरूर डाला होगा। तो इस समय मार्केट में आप लोग को पता है सिलेबस चेंज हो चुका है SSC JD का, तो चिप्स पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक परीक्षा भर्ती 2023 पे आधारित आ चुका है मार्केट में। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो नया सिलेबस है, पैटर्न है, नए नए क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा कि अब आएगा टोटल 80 क्वेश्चन, होगा एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 160 नंबर का पेपर, और टोटल होगा आपका 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से इस प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, साथ ही साथ में सिलेबस भी बताया गया है कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, और पुराना पेपर भी दिया गया है। और ये बिल्कुल PDF आपको दी जाती है फ्री, FRW फ्री 100%। इसमें आपको नए नए 5 पेपर मिल जाते हैं, पुराने जो 2021 का एग्जाम हुआ है, 19 का एग्जाम हुआ है, वो क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाता है, सिलेबस मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप लगातार देख रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ तक सॉल्यूशन के साथ, यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक आ जाओ नीचे तक, ये सब है, क्या है, फ्री है। ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाला है, वहाँ पे इस पेपर को मैंने डाल दिया है। इसको एनालिसिस करो कि ये किताब कैसी है, पढ़ो, सवाल लगाओ, सॉल्यूशन देखो, पुराना पेपर देखो, और इस बार एग्जाम की तैयारी जम के करो कि इस बार ये वैकेंसी हाथ से ना चूक जाए। और दिमाग में एक पॉइंट सेट कर लेना कि मुझे अपने एक सीट से मतलब है, और कितनी टोटल पोस्ट है उस पर केयर मत करना, हालांकि 24,000 के अराउंड पोस्ट है, ठीक है। और आपको बता दूं कि इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेंशन कर दिया है, आप वहां से इसे जाके देख सकते हैं और ले सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको डिफेंस की बढ़िया लगी होगी। और कोई आती है आर्मी की अपडेट तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दें। रैली प्रोग्राम के लिए यहाँ से रैली का शेड्यूल आप चेक करते रहिएगा, और अपडेट आएगी तो मैं आपको हिंदी में बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।